ये साहब बदमाश अंदर गए। फिर क्या हुआ? जब अंदर गए तब उनको देखा तो बाहर निकला। बाहर जब निकला उनको पकड़ने मारने के लिए, तब उन लोग फिर फायर कर दिया, आंखों में राख ठोक दिया। अच्छा, जब दिखाई नहीं दिया तब भी वो लोग फायर कर दिया। हम सो रहे थे लगभग 2:30 बजे, इसके घरे बदमाश घुसे तो वहाँ ये इसके चारों तरफ दरवाजों के सीढ़ियों में सातरों में रस्सी को बांध दिया, काफ़ी रोटी थी। इसके बाद किसी को आने जाने का मौका नहीं मिला। मौके पर ये जान गया, जानने के बावजूद उनका प्रयास यही कि मैं उनका कुछ ना कुछ धर पकड़ें। धर पकड़ने में इसकी आँखों में राख झोंक दी और जहाँ ये कुछ डंडा लाठी को ढूंढने को गए, इंतजार किया, तब शाम उसकी गोली मार। ये कल रात करीब 2:30 बजे के आसपास ग्राम उराहा पड़ता है थाना तर्रा क्षेत्र में, वहाँ एक घर में 2-3 बदमाश अंदर प्रवेश किए और ताला खोलकर और इनका कुछ सामान वामान निकालने का प्रयास किया। उस दौरान गृहस्वामी जो है वो जग गए और उन्होंने इनको पकड़ने का प्रयास किया, जिस पर उनके द्वारा 12 बोर के बंदूक से फायर किया गया, जिसमें 6 उनको यहाँ कंधे के नीचे लगे हैं। यहाँ जिला अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है, खतरे से बाहर है। लेकिन ये एक बड़ा सिग्नल है, थाना सभी थानों को अलर्ट किया गया था, पहले भी किया गया था और इसको सख्ती से अलर्ट किया जा रहा है इनको, कि हो सकता है कि स्थानीय बदमाश ना हो, कोई ऐसा गिरोह हो जो घुमंतु होते हैं और इस दौरान की घटनाएं तमाम जनपदों में होती हैं। तो इस लिहाज से उनको अत्यधिक संवेदनशील रहते हुए ऐसे तमाम डेरे जहाँ स्टेशनों के आसपास, बस अड्डों के आसपास इनके डेरे हैं, उनकी चेकिंग और उनको तस्दीक करना, यदि बाहर के लोग हैं तो उनके आपराधिक इतिहास के बारे में और उनके वहाँ के हैं या नहीं हैं इस बारे में तस्दीक कराने हेतु कड़े निर्देश